दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल से स्टॉक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से मेरा यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं बाइसल सिग्नल कम स्क्रीनर में कुछ चेंजेस किया है, नया एलिमेंट कुछ इंट्रोडक्शन किया है। मैंने मेरा व्यूज देने का जो वीडियो बनाया था उसमें ऑलरेडी उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, क्या क्या चेंज किया। फिर भी आप लोगों को एक बार इसको अलग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ये इक्विटी सेक्शन में मैंने प्रोबेबिलिटी ये दोनों पहले था, ये चार प्रोबेबिलिटी फिर नया इंट्रोडक्शन किया है। ये आप लोगों को स्क्रीन करने के लिए फर्दर स्क्रीनिंग करने के लिए हेल्प पड़ेगा। और ये जो सेक्शन है प्रोबेबल हाई लो फॉर इन वन डे थ्री डे फाइव डे और 15 डे का हिसाब से बनाया गया है। वन डे थ्री डे फाइव डे और 15 डे और 30 डे का हिसाब से बनाया गया। तो इसको आप लोगों को एक रेफरेंस ये रेफरेंस सेक्शन में दिया है मैंने, ये आप लोगों को एक रेफरेंस देगा, आइडिया देगा कि ये हाई होने के बाद नेक्स्ट हाई पॉसिबल हाई क्या हो सकता है। ये 100% एक दिन में 100% करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन दो तीन दिन में होता है। इसका जो इतना ही आएगा ये मीनिंग नहीं है कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि इतना ही आएगा और 1568 ही आएगा, लेकिन इसका आसपास जरूर आएगा। ऐसे ही वो थ्री डेज का हिसाब से देखेंगे तो इसमें इतना वैल्यू आ सकता है, फाइव डेज का हिसाब से देखेंगे तो इतना वैल्यू आ सकता है, 15 डे का हिसाब से देखेंगे भी तो भी आ सकता है, उसका ऊपर भी जा सकता है। उसके लिए आप लोगों को बाई सेल सिग्नल देखना पड़ेगा। सोच लीजिए आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, मैंने पहले स्विंग ट्रेडिंग देखा था। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में देखिए आप लोग 1584 के ऊपर 80 के ऊपर बाई करेंगे तो 59 आप लोगों को बाई सेल सिग्नल ही फॉलो करना है, लेकिन वो आप लोग जस्ट वॉच रखेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग कितना तक होल्ड कर सकते हैं, क्या एग्जिट करना है। ये सब डिसीजन लेके आप लोगों को हेल्प करेगा। कमोडिटी में भी ऐसा ही किया हूँ मैंने, प्रोबेबिलिटी में वही चेंज कुछ किया हूँ और प्रोबेबल हाई लो वो दिखाया हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें कुछ चेंज नहीं है। और निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स में भी मैंने ऐसे ही किया है, लेवल तो है ही, इसका लेवल तो है ही, उसके साथ यही आपको मेन चीज़ है, ये आपको मान के चलेंगे आप लोग मान के चलना है। सेकेंडली वो प्रोबेबल हाई लो कितना हो सकता है एक दिन तीन दिन का हिसाब से वो आप लोगों को दिखाए। सोच लीजिए 429 में क्लोजिंग, तो इसके बाद 494 478 आ सकता है नीचे, आप जो जाएगा तो उसका नीचे दिखाएगा, उसका नीचे आएगा और उसका नीचे आप लोग देखेंगे तो इसको लेवल देखना पड़ेगा। इसका लेवल देखना पड़ेगा। और मैं जो इंट्रोड्यूस किया हूँ वो है कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव करता है निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा। तो सोच लीजिए अभी 450 से 500 550 ऐसा हो निफ्टी ऊपर जा रहा है और तो कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव कर सकता है और नीचे जाएगा तो कैसे बिहेव कर सकता है। उसके साथ बीटा वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी दिया हूँ। कमोडिटी में भी ऐसा ही किया हूँ, ऊपर MCX इंडेक्स अप जाएगा तो
कैसे बिहेव कर सकता है और